Welcome back to my channel. I'm shooting this video after a long interval, and if you have still not subscribed to my channel, please take a moment to hit the red subscribe icon and also hit the bell icon beside that so that you never miss an update. Follow me on Instagram. I will put the links down below in the description box. Aur hamesha ki tarah har product jo main is video mein use karungi sabke links description box mein aapko mil jayenge. So without further ado, we'll jump in straight to the video. अभी टाइम चल रहा है कोरोना वायरस या COVID-19 का, तो इस टाइम में हर हालत में हमें मास्क तो पहनना ही पहनना है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि मास्क पहनना है, प्रॉब्लम ये है कि मास्क कैसे पहने कि हमारी हेल्थ प्रोटेक्टेड रहे और हमारी स्किन भी अच्छी रहे। देखिए, चाहे आप जैसा भी मास्क पहन ले, एक मास्क का काम होता है प्रेशराइज सील क्रिएट करना, जिससे बाहर की हवा अंदर ना आ सके, और इसी के चलते हमारी स्किन की और माउथ और नोज़ की जरिया होती है वहाँ पर ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है, जिसके कारण एक्ने, ब्रेकआउट्स और क्लॉग्ड पोर्स की प्रॉब्लम होती है। मास्क पहनने से होने वाले एक्ने और ब्रेकआउट्स को मास्क एक्ने भी कहा जाता है। साथ ही साथ जो इस तरह के सिंथेटिक फाइबर मास्क होते हैं ना, या सर्जिकल और रेस्पिरेटर मास्क होते हैं, इनके फाइबर्स भी स्किन को इरिटेट कर देते हैं। फैब्रिक या कॉटन के मास्क ऑल्दो सॉफ्ट होते हैं, फिर भी इनसे ड्राइनेस हो सकती है प्रोलॉन्ग्ड यूज से, विच फर्दर इरिटेट्स योर स्किन एंड कॉजेज रैशेस। करे तो क्या करे, हेल्थ भी सही रखनी है, स्किन भी अच्छा रखना है, ब्रेकआउट्स भी नहीं चाहिए, एक्ने भी नहीं चाहिए। सो दैट यू हैव टू फॉलो दीज सिंपल टिप्स एंड यू विल बी एब्सोल्युटली सर्टेन। अगर आप इतने दिनों से अपने सनस्क्रीन को स्किप कर रहे थे, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। रैदर यू शुड स्टार्ट अप्लाइंग फिजिकल सनस्क्रीन्स ओवर केमिकल वंस। अब इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव बता देती हूँ, मार्केट में अवेलेबल है, जो कि है एल ए शील्ड्स का फिजिको सनस्क्रीन। इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, पर अगर शायद आप लोकल केमिस्ट शॉप से लेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाए। सनस्क्रीन्स में मौजूद जिंक ऑक्साइड हमारे स्किन की ऑयल प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है और एक्ने और पिंपल्स से बचाता भी है। पहले इस तरह के किसी भी जिंक ऑक्साइड बेस्ड फिजिकल सनस्क्रीन को अप्लाई ज़रूर कीजिए, इससे आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहेगी। और एक बोनस टिप मैं बता देती हूँ, इस वक्त कोशिश कीजिए जितना हो सके मेकअप को अवॉइड करने की, वरना इससे क्लॉग्ड पोर्स की प्रॉब्लम आ सकती है। मास्क चूज़ करते वक्त हमेशा ध्यान रखिए कि ना ही आपका मास्क ज़्यादा टाइट हो और ना ही लूज़ हो। आपका मास्क आपके इस चिन एरिया पे बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठना चाहिए। अगर ये ज़्यादा टाइट होगा तो इससे ब्लड सर्कुलेशन में डिस्टर्बेंस होगी। मास्क को दिन में एक बार हल्के गर्म पानी से वॉश ज़रूर कीजिए। हफ्ते में एक बार ट्राई कीजिए घर पे बना हुआ इजी सा फेस पैक। यहाँ पे मैंने एक चम्मच नीम पाउडर के साथ एक चम्मच सैंडलवुड पाउडर लिया है, और इसे मैं रोज़ वाटर की मदद से मिक्स करके एक पतला सा पेस्ट बना रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे रस्टिक आर्ट का नीम बेसिल फेस वॉश लिया था। आप चाहें तो बाज़ार में मिलने वाला कोई भी माइल्ड फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, और फिर अपने फेस को हल्के हाथों से मसाज करते हुए एक मिनट तक वॉश कर लीजिए, फिर ड्राई कर लीजिए टॉवल से। और अब मैं यहाँ पर अपना फेस पैक लगा रही हूँ। नीम नॉट ओनली हैज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ टू कॉम्बैट स्किन एक्ने एंड रैशेस, इसमें गजब की पावर होती है ड्राइनेस और फंगल इन्फेक्शंस को भगाने की। वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को भी ये दूर रखेगा। सैंडल पाउडर हमारी स्किन को सॉफ्ट और सपल बनाएगा, ठंडक देगा और टैन को भी हटाएगा। इसमें एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, जिससे स्किन एलर्जीज भी ख़त्म होती है। नेक एरिया को भी कवर कर लेंगे, और ध्यान दीजिएगा कि ये फेस पैक आपको पूरा ड्राई नहीं करना है, हल्के भीगे हालत में ही इसे आप रिमूव कर लीजिए। आप इमीडिएटली देखेंगे आपकी स्किन कितनी सॉफ्ट, सपल और क्लीन फील कर रही है इस फेस पैक से। दिस इज़ अ मस्ट ट्राई फेस पैक गाइस। अगर आपके स्किन पे ऑलरेडी रैशेज, एक्ने या ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम हो रही है, तो इस टिप को फॉलो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर मैं ले रही हूँ थोड़ा सा एलोवेरा जेल, और उसके साथ मिक्स कर रही हूँ एक ड्रॉप टी ट्री ऑयल। याद रखिएगा, टी ट्री ऑयल ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है, और इस मिक्सचर को सिर्फ रात को ही अप्लाई कीजिए। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपके जहाँ भी रैशेज या एक्ने की प्रॉब्लम है, उस पर डायरेक्टली आप अप्लाई कीजिए, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। इसकी जगह पर आप लैक्टोकैलामाइन लोशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आई विल बी बैक विद माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, सैनिटाइज प्रॉपर्ली एंड डू नॉट फॉरगेट, व्हेनेवर यू स्टेप आउट, ऑलवेज वेयर योर मास्क।